الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السامين الكرام الله تبارك تعالى سي ك كالله تعالى هم سبكو اسمه لك مرض और इस वहफूब रखे और दुनिया के तमाम लोगों को शिफाया भी अता फ़रमाए जो इसमें मुब्तला हैं और राह रास्त भी दिखाए मज़त सामिन कराम आज के दरस में मिसवाक से मतलक बात की जाएगी और ये दर्श जैसा कि आपको पता है कि मकम्मल इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है ताकि सुनने वालों को भी उत्ताहट ना हो और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम भी उन तक पहुंच सके तो मौलफ किताब ने मसला नंबर अड़तीस के तहत ये बात जिक्र की है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उर्दू के साथ मिसवाक की तरगीब दिलाई है तरगीब दिलाई है इस बात का हुक्म दिया है रसूल अकरम अलैहि वसल्लम ने कि जब भी हम उ करें तो मिसवाक कर लिया करें और मसला नंबर उनतालीस के तहत ये बात जिक्र की है कि मिसवाक की लंबाई मुक्र करना सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं है कुछ लोग मिसवाक की हद मतिन करते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ बातें अपनी तरफ़ से गढ़ते हैं और उसे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं हालांकि इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है मिसवात की लंबाई मुकर करना इसका शरीयत से कहीं दूर दूर का कोई रिश्ता नज़र नहीं आता है अलबत् ये बात है कि रसूल अक्रम वसल्लम ने उदू के साथ मिसवाक की बड़ी तरगीब दिलाई है फान भी हर रत रल्ला और रसोल सल्ह अन कल्लाशका अला उम्मी ल अमर तुहम बसवा के माकुल मा आकू और बाद रवायतों के अंदर है ल अमर तुहम बसवा के सलाह। ये रवायत जो आपके सामने हज़रत अबूर रजी अल्लाह की पढ़ी गई है ये रवायत जो है तो मसन्द अहमद और नसाई के अंदर मौजूद है और इसे अपने हजैमा ने सही करार दिया है हज़रत बुरत कि रसूल अक्रम सम ने फरमायासा किससे पहले मैंने बताया कि बाद रवायतों में है इंद कुल्ली सलाह तो इस रवायत के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया कि अगर मुझे उम्म की तकलीफ़ का एहसास ना होता मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़्क़त में पड़ जाएगी तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता और ये ए, इसे मालिक अहमद नसाई ने रवायत किया है इब्ने हजैमा ने इसे सही करार दिया है इस हदीस की रोशनी में हमारे सामने ये बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वाज होकर आ जाती है कि हमें और आपको वजू के वक्त नमाज के वक्त मिसवाक करना चाहिए और अल्लाह के रसूल वसल्लम को अगर इस बात का खौफ ना होता कि उम्मत हमारी मशक्क़त में पड़ जाएगी परेशानी में पड़ जाएगी तो यकीनन आपके फरमान में ये बात मौजूद है कि मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म दे देता तो हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रस के रसूल के फरमान के मुताबिक अमल करें और मसवाक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें सफाई सुथराई इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है